नमस्कार, मेरा नाम है अखिल अरोड़ा और आप लोग देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। अब तक की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो जिसका नाम है बिग बॉस, वो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है क्योंकि इनके सबसे पहले तो उनके होस्ट मिस्टर सलमान खान अपने भाईजान हैं और दूसरा उनके जो कंटेस्टेंट्स हैं वो काफी विचित्र प्रकार के हैं। इसमें आपको एक्टर, मॉडल, सिंगर्स के साथ साथ हिंदुस्तानी भाव भी देखने को मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन चीज इस शो की ये है कि इसका मुद्दा लड़ना होता है, प्यार से लड़ना होता है, गुस्से से लड़ना होता है, बात करके लड़ना होता है और लड़ना होता है। और लड़ते लड़ते लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि कभी कभी मेरे घर पे लड़ने लग जाते हैं। खैर, एक बात हम करेंगे, सबसे बेहतरीन जो पंजाबी एक्ट्रेस मॉडल इस टाइम बिग बॉस के घर में है उनका नाम है शहनाज गिल। क्योंकि स्टार्टिंग से अब तक उनकी जर्नी की बात करूं तो काफी चुलबुली सी थी, काफी हस्ती खेलती रहती थी, लेकिन अब वो बेचारी डिप्रेशन का शिकार हो गई है। बेचारी इतनी परेशान रहती, इतनी दुखी रहती, इतने आंसू बहाती हैं कि शायद उन्होंने अपनी शादी में भी निभाए होंगे। वैसे भी शादी हुई नहीं, जब होगी फिर देखेंगे, कंपेयर तब कर लेंगे। लेकिन अब मुद्दा इस बात का है उनके बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला, जो उनके सबसे ज्यादा करीबी थे लेकिन अब उनको सीक्रेट रूम में रख दिया गया है। उनसे दूरी कितनी बर्दाश्त होती है, वो साथ कितना रह पाते हैं, इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला को उन्होंने सीक्रेट रूम में रख दिया है। और तब से बेचारी आंसू बहाए नहीं रुक रही हैं, सर दीवार में मारे नहीं रुक रही हैं हमारी शहनाज गिल, और हमेशा परेशान रहती हैं क्योंकि बिग बॉस में घर में इकलौते वही थे जो उनकी बात सुनते थे, उनकी बात समझते थे। जितनी भी मस्ती उन्होंने की है अब तक बिग बॉस के घर में, पहले दिन से सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही की थी। अब सिद्धार्थ शुक्ला जो कि काफी हैंडसम है लेकिन अब सीक्रेट रूम में है तो वो बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी है। मुद्दे की बात यह है, जब सिद्धार्थ शुक्ला सीक्रेट रूम से बाहर आएंगे तो उनकी और शहनाज कौर की जो केमिस्ट्री थी क्या वो वैसी रहेगी, क्या वो दोस्त पहले जैसे होंगे, क्या उनका जो रिश्ता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा या और डिक्रीज और नेगेटिव होता चला जाएगा, ये आप भी देखिए और हम भी देखेंगे थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन आप जरूर देखते रहिएगा और मैं आपको फिर मिलूंगा बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। दिस इज अखिल अरोड़ा साइनिंग ऑफ फ्रॉम गूगल बॉलीवुड।